अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ शेख चिल्ली की, शेख चिल्ली के बचपन की। तो शेख चिल्ली अपने ख्याल में हमेशा खोए रहते थे, ना उनको कुछ समझ थी कि वो क्या हो रहा है, दिन कैसे गुजर रहा है। वो अपने कोने में पड़े रहते थे, अपनी सोच में हमेशा पड़े रहते थे। तो एक दिन उनकी माँ ने कहा कि बेटे, ज़रा बन्नी के पास जाओ और इस ये बॉटल लो और उसमें 10 रुपये का तेल लेके आओ। तो उन्होंने वो बॉटल उठाई, बड़े खुश हुए कि चलो अम्मा ने कहा है उनसे कुछ काम करने के लिए, तो मैं काम कर दूंगा। वो गए बन्नी के पास और बन्नी के पास जाकर कहा कि माँ ने कहा है कि 10 रुपये का तेल हमें दे दो। तो जब बन्नी ने जब तेल डाला उस बॉटल में, तो मालूम पड़ा कि ये तो 8 रुपये का है। तो बन्नी ने कहा कि ये 8 रुपये का है, तुम 2 रुपये ले लो, वापस ले लो। मगर इन्होंने, ये शेख चिल्ली थे, इन्होंने कहा कि नहीं, माँ ने कहा है कि 10 रुपये, तो 10 रुपये का तेल आप डालो ही। तो उन्होंने कहा, मगर डालो कहाँ, उसमें तो जगह ही नहीं है और उसका ढक्कन भी नहीं था उस बॉटल का। तो ये बड़ा अफसोस किया उन्होंने, उन्होंने ये बॉटल उठाई, देखा कि ये तो 8 रुपये का है, माँ ने कहा है कि 10 रुपये का तेल डालना है। तो उन्होंने देखा इधर उधर और फिर देखा कि बॉटल के नीचे जो एक डेंट है, उन्होंने कहा कि काम करिए। उन्होंने पोर्टल पलटाई और कहा कि 2 रुपए का तेल आप यहां पे डाल दो। तो बनिए ने 2 रुपए का तेल जो लिया तो यहां डाला, बड़े खुश हुए ये, दौड़ते हुए वापस आए अपनी माँ के पास, कहा कि माँ, आपने तो मुझे 8 रुपए की बॉटल दी थी जिसमें सिर्फ 8 रुपए का तेल डाल सकता था, मगर मैं उसी बॉटल में 10 रुपए का लेके आया हूं। तो माँ ने कहा, कैसे? उन्होंने, ये देखिए ऊपर जो मैंने डाला है वो 2 रुपए का तेल है। और जब उन्होंने देखा और देखा, वो बॉटल खाली थी, जब उन्होंने उल्टा की थी वहां पे, तो पूरा तेल बह गया। शेख चिल्ली इस टाइप के इंसान थे।